नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की टिक्की। पहले भी मैंने टिक्की की रेसिपी डाली हुई है, पर ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और इनको कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करने से इसमें आलू के गुठले नहीं रहते, तो ग्रेट करके ही टिक्की में डालने चाहिए। अभी चाट मसाला ले रही हूँ 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, बारीक वाले जो चावल होते हैं उनको मैंने पीस लिया है, खिचड़ी वाले जो चावल आते हैं। तो इसमें मैं पहले 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ, फिर बाद में देखेंगे और कितना डलता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिलाया है, पहले 3 टेबलस्पून डाला है। डो को हमने टाइट रखना है, अगर हम लूज छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा तेल पिएगा, तो इसलिए डो को टाइट ही रखना है। अभी थोड़ा लूज लग रहा है, तो इसमें मैं और चावल का आटा डालूंगी। तो मैंने टोटल इसमें 8 टेबलस्पून चावल का आटा यूज़ किया है। तो आलूओं के ऊपर भी निर्भर करता है कि आलूओं में कितना मॉइस्चर है, तो आप डो को थोड़ा टाइट रखिएगा, लूज़ रखेंगे तो वो तेल ज़्यादा पिएंगी टिक्कियाँ। अब हाथों को ग्रीस करके हम इसको टिक्की की शेप देंगे। गोल शेप दे देंगे इसको। जैसा वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से हम अपनी टिक्कियां बना लेंगे। तो ये सभी टिक्कियां मैंने बना के तैयार की हैं, अभी इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को पहले अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम उसको लो मीडियम रखेंगे। तेल एक बार गर्म होने के बाद लो मीडियम रखिएगा, अगर आपको टिक्कियाँ करारी चाहिए तो। नहीं तो अगर ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में आप इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये सिक जाएंगी पर अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो एक बार तेल को गर्म करने के बाद आपको लो मीडियम रखना है और इसमें अच्छा गहरा ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमने फ्राई करना है। चावल का आटा हो गया या पोहा जो हम डालते हैं उससे क्या होता है, एक तो आलू बाइंड हो जाता है और दूसरा ये तेल बहुत कम सोखता है, तेल ज़्यादा नहीं सोखता आलू। तो इस तरह का कलर आ जाए तब हम निकाल लेंगे टिक्कियाँ। अगर चावल का आटा ना मिलाना चाहें तो पोहे को चूरा करके आप वो भी मिला सकते हैं और इसमें आप अरारोट भी मिला सकते हैं। मार्केट में जो बनती है उसमें ज़्यादातर अरारोट ही मिलाया जाता है। अब बाकी जो टिक्कियाँ हमारी बची हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दिखा रही हूँ आपको कितनी क्रिस्पी बनी है, इनकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो सभी क्रिस्पी बनेंगी टिक्कियाँ अगर आप जो तेल की गरम करने के बाद जो फ्लेम है उसको आप मीडियम रखिएगा। तो टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार हैं, आप इसे बनाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी बनी, टेस्ट कैसा लगा आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।